हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज ताज तंबोली एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉफ्टटेक फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने लगे हम अपने कंप्यूटर में खुद का फोल्डर लॉकर कैसे क्रिएट करेंगे। उस फोल्डर में आप लोग अपनी फाइल या फोल्डर जो भी डेटा इन्फॉर्मेशन आप लोग पास है आप लोग उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग उस फोल्डर को एक पासवर्ड सेट कर सकते हो। उसी पासवर्ड की मदद से जब भी आप लोग पासवर्ड सही टाइप करोगे तो आप लोग उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज वो फोल्डर ओपन होता नहीं है। तो यहाँ पे ये हम लोग अपना खुद का फोल्डर लॉकर कैसे क्रिएट करेंगे ये आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। लेकिन अगर आप लोग पास कोई वर्ड फाइल है, एक्सेल फाइल है या फिर पावर पॉइंट फाइल है, इसके ऊपर अगर आप लोगों को पासवर्ड सेट करना है तो पासवर्ड कैसे सेट करेंगे इसके रिलेटेड वीडियो बनाई गई है। यहाँ पे मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां पे जाके आप लोग देख लेना। और जो आज की इस वीडियो में सिर्फ आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग अपने कंप्यूटर में खुद का फोल्डर लॉकर कैसे क्रिएट करने वाले, वहां पे उसे पासवर्ड कैसे सेट करने वाले, ये आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप लोग पहली बार इस चैनल पे आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकॉन पे क्लिक कर देना और वहां पे ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कुछ नई वीडियो अपलोड कर दूंगा तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिल जाएगा। तो जैसे आप लोग कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं पासवर्ड टीएक्सटी नाम की यहाँ पे फाइल है, ये नोटपैड फाइल है, इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद में फाइल ओपन हो जाएंगी। ओपन होने के बाद इसे जैसे मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ तो ये जो फाइल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये फाइल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहां से आप लोग डाउनलोड कर देना। डाउनलोड करने के बाद में जिस लोकेशन पे आप लोगों ने डाउनलोड किए, डाउनलोड करने के बाद में यहाँ से वो फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद में जो फाइल यहाँ पे योर पासवर्ड लिखा हुआ है, इस पासवर्ड की जगह पे आप लोगों को आपका खुद का ओन का पासवर्ड देना है। जैसे मैं यहाँ पे एबीसी ये पासवर्ड दे दूंगा। एबीसी पासवर्ड देने के बाद में इस फाइल को आप लोगों को सेव एज करना है। जैसे फाइल में चले जाना और फाइल में यहाँ पे सेव एज पे क्लिक कर देना। सेव एज पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जिस लोकेशन पे आप लोगों को जो फोल्डर लॉकर क्रिएट करना है उस लोकेशन पे फाइल को आप लोगों को सेव करना है। जैसे हम लोग यहाँ पे डेस्कटॉप पे ही सेव करेंगे, डेस्कटॉप यहाँ पे मैं जैसे देख रहा हूँ लोकेशन यहाँ पे सेट है मेरा। उसके बाद में यहाँ पे जो फाइल नेम है आप लोग एज इट इज जैसे ऐसे फाइल नेम रख सकते हैं, या फिर जैसे हम लोग यहाँ पे फाइल नेम दे देंगे लॉकर, जैसे लॉकर ये फाइल नेम है .bat, ये आप लोगों को एक्सटेंशन देना है। एक्सटेंशन देने के बाद में आप लोगों को सेव एज टाइप में यहाँ पे आप लोगों को ऑल फाइल्स पे क्लिक करना है। ऑल फाइल्स पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है और सेव पे क्लिक करने के बाद में इस फाइल को हम लोग क्लोज करेंगे। अब क्लोज करने के बाद में जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं लॉकर नाम की मेरी फाइल .bat फाइल है यहाँ पे क्रिएट हो गई है। अब यहाँ पे इस फाइल के ऊपर आप लोगों को डबल क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगा, डबल क्लिक करने के बाद में एक सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट विंडो यहाँ पे ओपन होगी। ये सीएमडी विंडो ओपन होने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को पूछा जाएगा एंटर पासवर्ड टू अनलॉक योर सिक्योर फोल्डर। तो यहाँ पे जो आप लोगों का फोल्डर है वो सिक्योर है, तो यहाँ पे आप लोग पासवर्ड टाइप करना है। जो भी आप लोग नोटपैड फाइल में जो .bat फाइल आप लोग क्रिएट किए उसमें जो पासवर्ड दिए वो पासवर्ड यहाँ पे टाइप करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एबीसी टाइप किया था पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे एबीसी टाइप कर देता हूँ। एबीसी टाइप करने के बाद में एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि प्राइवेट नाम का यहाँ पे मेरा फोल्डर शो हो रहा है। अब इस प्राइवेट जो फोल्डर है हम लोगों का, इसके ऊपर आप लोग अगर डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करने के बाद में जो भी आप लोगों के इन्फॉर्मेशन जो भी फाइल फोल्डर आप लोगों के पास है आप लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट या फिर कट पेस्ट कर सकते हो। या फिर जैसे आप लोग यहाँ पे कोई फाइल क्रिएट करना है तो यहाँ पे हम लोग फाइल क्रिएट करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे फाइल क्रिएट कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो मेरी टेक्स्ट फाइल है तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट फाइल दे देता हूँ। टेक्स्ट फाइल देने के बाद में अगर आप लोग कोई फोल्डर क्रिएट करना है तो आप लोग फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे फोल्डर पर हम लोग ले लेंगे माई फोल्डर। तो यहाँ पे आप लोग अपने अकॉर्डिंग जो भी आप लोगों को टेक्स्ट फाइल है, वर्ड फाइल है, एक्सेल फाइल, जो भी आप लोगों के पास फाइल है, आप लोगों को अगर यहाँ पे जो भी उसके अंदर डेटा रखना है तो आप लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद में जैसे आप लोग यहाँ पे देखें जो भी आप लोगों डेटा होगा, जो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आने के बाद में इस फोल्डर को हम लोग यहाँ पे क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद में यहाँ तो आप लोग यहाँ पे देखें प्राइवेट नाम का यहाँ पे फोल्डर शो हो रहा है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लॉकर पे फिर से डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करने के बाद में आर यू श्योर टू लॉक दिस फोल्डर, तो यहाँ पे आप लोग को वाई बटन प्रेस करना है। वाई बटन प्रेस करने के बाद में यहाँ पे आप लोगों को एंटर करना है। जैसे आप लोग एंटर करोगे तो जो आप लोगों का प्राइवेट फोल्डर यहाँ पे शो हो रहा था यहाँ से अब ये हाइड हुआ है, तो यहाँ पे आप लोगों को शो नहीं होगा। फिर से अगर आप लोगों को अनहाइड करना है, मतलब वो फोल्डर आप लोग फिर से ओपन करना है, तो ओपन करने के लिए आप लोगों को फिर से .bat फाइल जो लॉकर आप लोगों ने बनाई हुई है या जो भी आप लोगों ने .bat एक्सटेंशन दी हुई फाइल है उसके ऊपर आप लोग डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद में यहाँ पे सिर्फ आप लोग पासवर्ड टाइप करना है। जैसे मैं एबीसी टाइप कर देता हूँ और एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद में यहाँ पे आप लोग देख रहे हो फोल्डर मेरा प्राइवेट नाम का फिर से आ गए। फिर हम उसको डबल क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं उसके अंदर जो भी हम लोग फाइल है, जो भी फोल्डर है, हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। मुझे यही बताना था कि हम लोग अपने कंप्यूटर में जो भी फोल्डर लॉकर खुद का कैसे क्रिएट करेंगे, उसे खुद से कैसे पासवर्ड सेट करेंगे, ये आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया हूं। और जैसे आप लोग जहां पे भी ये फोल्डर लॉकर आप लोग क्रिएट करोगे .bat फाइल, तो जहां पे .bat फाइल क्रिएट करोगे उसी लोकेशन पे ये जो प्राइवेट फोल्डर आप लोग शो हो रहा था वो वहां पे शो हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आप लोग पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और अगर आपके जो भी क्वेश्चन या फिर जो भी डाउट्स हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।